गाइस, मेरा नाम है काजोल और वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटीज़ ऑफ वी। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम आपकी सारी जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल जो गर्ल्स है, जो लेडीज़ फेस करती है, वो जो एक्ने के जो स्पॉट्स और जो मार्क्स जो रह जाते हैं, वो इजीली जाते नहीं हैं। बहुत महीने तक हम इतनी कोशिश करते हैं, स्टिल वो एक्ने के जो मार्क्स और जो स्पॉट्स रह जाते हैं, वो बिल्कुल ईजिली नहीं जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसके पीछे मैंने बहुत किया है और मेरे ईजिली बिल्कुल भी नहीं गए हैं स्पॉट्स, जो मार्क्स रह जाते थे। मैंने लिटरली डॉक्टर्स को दिखाया है, डॉक्टर्स को जो भी ट्यूब्स वगैरह देते थे और वो पे एक्नेस के लिए, उससे मेरी स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती थी और जो मार्क्स थे वो तो ईजिली जाते ही नहीं हैं, चाहे कितना भी हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो एक्चुअली में इफ़ेक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वही रेमेडीज़ बताऊँगी आपको जो एक्चुअली इफ़ेक्टिव है, जो हम डे टू डे हमारी लाइफ में करते हैं, जो एक्चुअली हमें जो इफ़ेक्टिव लगती है, हमें जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम वही रेमेडीज़ आप तक पहुँचाएँगे और मैं जो आज रेमेडी बताने वाली हूँ वो स्पेशली एक्ने के जो स्पॉट्स या पिम्पल्स के जो स्पॉट्स मार्क्स रह जाते हैं, वो उसके लिए। तो आइए, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आपको सिर्फ वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है आपको आपका फेस वॉश करना है, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो आपको टोनर करना है, जो भी टोनर आप यूज़ करते हैं। मैं रोज़ वाटर से अपना फेस जो है टोन कर रही हूँ। और थर्ड स्टेप जो है वो एलोवेरा जेल है, और एलोवेरा प्लस लेमन, इन दोनों को 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एलोवेरा जेल, कोई सी भी आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैं जो है पतंजलि की एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अगर आपको जो भी एलोवेरा जेल सूट होती है, आप वो एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और एलोवेरा जो जेल जो है वो आपके फेस को कूल डाउन करती है, आपके मार्क्स को लाइटनिंग करने में हेल्प करती है, आपके कलर को जो है आपके जो फेस के ग्लो को हेल्प करती है एनहेंस करने में। और जो लेमन है, लेमन में विटामिन सी होती है। विटामिन सी क्या करती है, आपके जो स्पॉट्स होते हैं, जो डार्किन स्पॉट्स होते हैं, उनको लाइटन करने में हेल्प करती है। और विटामिन सी आपकी स्किन ब्राइटनिंग करने में भी हेल्प करती है। तो हमें सिर्फ इन दो प्रोडक्ट से, हमें सिर्फ इन दो चीज़ों से हमें हम अपने एक्ने स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। पहले आपका जो टोनर है आपको उसको सूखने देना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए आपकी स्किन। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ एलोवेरा जेल लेनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और आपको 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है, जैसे मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ज़्यादा लेमन यूज़ नहीं करती हूँ अपनी स्किन के लिए। आपको सिर्फ एलोवेरा जेल, और मैंने देख आपके सामने ही मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल और लेमन इन दोनों को मिक्स किया है। और अच्छे से इसका एक बहुत थोड़ा सा लिमिटेड लेना है आपको, ज़्यादा पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जो स्पॉट एरिया है, जहाँ पे आपके जो स्पॉट्स हैं, सिर्फ वहीं पे ही आपको उसको लगाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, जैसे आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है, सिर्फ अपने स्पॉट्स के लिए बनाया। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है, जो ये मैंने पेस्ट बनाया है, जो भी एलोवेरा जेल और लेमन को जो मैंने मिक्स करके एक लिक्विड फॉर्म में ये बना है, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं। और बस आपको इसको कॉटन पैड से या अपनी फिंगर से, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, आपको बस अपने स्पॉट एरिया पे लगाना है, ज़्यादा नहीं आपको लगाना, सिर्फ स्पॉट एरिया पे लगाना है। और इससे आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स देख सकते हैं। ओवरनाइट तो कोई रिजल्ट नहीं होता है आपको, ये आपके डे टू डे बेसिस पे आपको यूज़ करना है, एवरी नाइट आपको लगा के छोड़ देना है। सिर्फ आपको अपने स्पॉट एरिया पे यूज़ करना है, ज़्यादा पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे फेस पे एलोवेरा जेल लगा के फिर सिर्फ अपने स्पॉट एरिया पे विटामिन सी और एलोवेरा लगा सकते हैं।
जैसे आपने देखा कि मैंने सिर्फ अपने स्पॉट्स पे जो है वो यूज़ किया है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है मुझे यूज़ करना चाहिए मैंने सिर्फ उसी उसी एरिया पे सिर्फ वो यूज़ किया है। आप चाहे तो आप कॉटन पैड भी ले सकते हैं, आप चाहे तो फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी। और ये सीरियसली बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं खुद इससे रिजल्ट्स देखती, मैं जितना भी मैंने इसको यूज़ किया है, जो भी मैं ये यूज़ करती आई हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इसके रिज़ल्ट से। और मैं लिटरली मैं इसलिए ही मैंने आपको रिकमेंड किया है ये जो होम रेमेडी है। और इसको आपको इसको पूरी ओवर द नाइट इसको आपको छोड़ देना है, और नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में फेस वॉश करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।